यूक्रेन में रूस के भीषण हमले के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की रूसी सैनिकों से खीरी राजधानी कीव से बाहर निकालने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। जी हां, आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं देश छोड़कर नहीं जाऊँगा और आखिरी दम तक देश की सुरक्षा और रक्षा करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि देश के युद्ध के हालात में छोड़कर मैं बाहर नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में यूक्रेन को हथियार चाहिए, ना कि सवारी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों पर लोग बिल्कुल ध्यान ना दें। हमारी सेना रूस से कड़ा मुकाबला कर रही है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में अब अमेरिका भी एक्शन में आ गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी वायुसेना के 3 विमानों को रोमानिया के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरते देखा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका लड़ाकू विमान 3 घंटे से अधिक समय से उड़ान भर रहे हैं। इसके अलावा पास पोलैंड के हवाई क्षेत्र में इधर भरने वाला एक विमान है। इस बीच अमेरिका ने जानकारी दी है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ साथ रूस के विदेश मंत्री संगेई लावारोफ, रक्षा मंत्री संगेई सोइगो और रूस के सेना के पहले उप रक्षा मंत्री और जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छोड़ने के लिए रूस पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाना जारी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। We'll be right back.